Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials because all kinds of technology related solutions are available on this channel. तो दोस्तों आज है संडे और बज गए हैं 12। एक बार फिर हम आ गए हैं क्यों आने वाले वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज काफ़ी सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए गए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल आए हैं, तो आप लोग ज़रूर आगे सवाल सुने। और जो लोग नहीं सुनना चाहते वीडियो को स्किप कर दिए, लेकिन जाते समय वीडियो को ज़रूर शेयर करके जाइएगा। आपका अगर कोई सवाल हो तो सवाल पूछ के जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियो की लिस्ट यहाँ पर होती है। और दोस्तों एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो क्यू एन ए वाली होती है ये हम शेयर नहीं करते, ये आप लोगों को शेयर करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचानी होती है, इसीलिए हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को सबके साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाए। और कल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, एप्लीकेशन से किस प्रकार से आप कैप्चा सॉल्व कर पाओगे, उसके लिए हमने कल फाइनली वीडियो अपलोड कर दी है, यानी कि कल आपको 8 बजे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो वेट किस बात का है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए अबाउट पेज में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो क्या, मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर है सुनीता जी का, ये पूछते हैं कि मोबाइल में हम लोग म्यूज़िक किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वीडियो को ऑडियो में कैसे बदल सकते हैं। तो सुनीता मैम, इसके लिए हमने दोनों भी चीज़ें के लिए वीडियो बना रखी है, MP3 डाउनलोड के लिए और वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए। ऑडियो वीडियो एडिटिंग वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। वैसे म्यूज़िक अगर आप यूट्यूब का डाउनलोड करना चाहते हो तो आपका चैनल होगा तो आप यूट्यूब लाइब्रेरी से वो म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप किसी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप सर्च करेंगे हाउ टू डाउनलोड MP3 सॉन्ग तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। JH किला जी लिखते हैं, मोबाइल पे रिज्यूम कैसे बनाए, इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, आप वेट कीजिए, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। टेक एंड्रॉयड लिखते हैं कि सैमसंग M11 में एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब तक आएगा? सर कुछ महीनों में आपको ये अपडेट मिल जाएगा। सैमसंग के काफ़ी सारे फ़ोनों में जो है ये अपडेट मिलने लगा है, तो आपके फ़ोन में भी जल्दी ही मिल जाएगा, वेट कीजिए। टेक विद कैवल जी का सवाल है, इंस्टाग्राम के रील्स के वीडियो कैसे डाउनलोड करें? सर अभी तो फीचर आया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल में, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। मनोज कुमार जी लिखते हैं कि वाईफाई कॉलिंग कैसे करना है? तो मनोज कुमार जी, ये काफ़ी आसान है, इसके लिए एक वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब इंटरनेट में नहीं रहोगे तब आपका वाईफाई कॉलिंग जो है ऑन कर लेना, आपको सेटिंग में आपको ऑप्शन मिला होगा वाईफाई कॉलिंग का, उसको ऑन कर लेंगे और आपका फ़ोन अगर वाईफाई पे कनेक्ट रहेगा और आपके फ़ोन में आपका जो नेट है, इंटरनेट नहीं नेटवर्क जो होता है वो अगर थोड़ा रहा, यानी एक पॉइंट अगर रहा, तो भी आपका फ़ोन लगेगा वाईफाई की सहायता से। अगर कुछ भी नहीं रहा तो कॉलिंग नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा है और वाईफाई है तो काफ़ी अच्छे से कॉल आपका होगा। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आपकी डिमांड काफ़ी बार आई है तो हम ज़रूर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाएंगे। रवि कुमार जी लिखते हैं कि बुक्स रीड करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है? सर सिंपली रीडिंग है, इजी रीडर है, और आपके पास अगर बुक्स MP3 फॉर्मेट में है तो कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने बुक्स को रीड कर सकते हो। दीपक कुशवाहा सर लिखते हैं कि व्हाट्सएप को म्यूट कर देते हैं, मतलब कि अपना फ़ोन को म्यूट कर देते हैं तो व्हाट्सएप में स्टेटस का आवाज़ नहीं आता, तो इसको कैसे सॉल्व करें? सर ये व्हाट्सएप का फीचर, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें हम कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते। आरोग्य निधि भारत वर्ष क्या नाम है, तो ये लिखते हैं कि इन्हें जो है एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 10 में जाना है। सर क्यों जाना है? एंड्रॉयड 11 में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है मानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेंगे इसके सारे फीचर,
तो ये तो आप खुद से तो नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं, नूर जहाँ जी लिखते हैं, पीडीएफ को कैसे रीड करें सर, आप वीडियो हमारे देखते नहीं हो। दो दो एप्लीकेशन के वीडियो में बनाए हैं, कीबोर्ड और इन्वेंजर एआई, इससे आप जो है पीडीएफ को अच्छे से रीड कर सकते हो। आगे देखते हैं, असद जी लिखते हैं कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के अलावा और कौन सा टेक्स्ट टू स्पीच है जो फ्री में है और वो काफ़ी अच्छे से काम करे। सर जी, एक ही सबसे बेहतरीन टेक्स्ट टू स्पीच है जो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के अलावा बहुत अच्छे से काम करता है, और वो है ई स्पीक। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो और ये फ्री में भी काम करेगा। हमजा अल्ताफ जी लिखते हैं कि टॉकबैक में वॉइस कमांड वाले फीचर से टाइपिंग कैसे करें। तो सर, टाइप इतना शब्द बोलना है आपको किसी भी एडिट बॉक्स के आगे, और आपको आपका जो शब्द है वो आपको बोल देना है, तो वो टाइप हो जाएगा, काफ़ी आसान है। हमजा अल्ताफ जी लिखते हैं, सबसे एक्सेसिबल और ज़्यादा स्टोरेज देने वाली क्लाउड स्टोरेज कौन सी है। सर, गूगल को ही जो है रिकमेंड करूँगा, आप गूगल ड्राइव का यूज़ करें, उसके बाद अगर आप कहोगे तो फिर टेलीग्राम को आप यूज़ कर सकते हो। अनिकेत जी लिखते हैं कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन टीवी में कैसे देखें। तो सर, इसके लिए दो तीन ऑप्शन है, हर फ़ोन में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन आता है, वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, यूट्यूब में हाल फिलहाल में कास्टिंग का भी ऑप्शन आता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं अलग अलग फ़ोनों में, तो उसे जो है आप कर सकते हो, आपके फ़ोन में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है आप ये चेक कीजिए, और उसके बाद जो है आप ये देख पाओगे। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन पीपल सर पूछते हैं कि टॉकबैक के पुराने वाले वर्जन में जाना चाहता हूँ लेकिन डिसेबल यानी कि नहीं जा पा रहा हूँ, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो सर, आपका फ़ोन शायद सैमसंग का है तो कोई भी टॉकबैक ऐसे इंस्टॉल नहीं होगा, उससे अपग्रेडेड ही होगा। ठीक है, आप पुराना वाला टॉकबैक इंस्टॉल करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको सैमसंग का जो टॉकबैक है उसको जो सैमसंग का टॉकबैक है या तो उसको डिसेबल करना होगा, या फिर आपको जो टॉकबैक है नया उसको मॉडिफाई किया हुआ एपीके हाल फिलहाल में काफ़ी सारे ग्रुपों में हमने देखा है तो वो इंस्टॉल करना होगा, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ब्लाइंड टेक एजेंट जी लिखते हैं, क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति एप्लीकेशन बना सकता है या नहीं। बिल्कुल बना सकता है, वेब डेवलपिंग का कोर्स और एंड्रॉयड डेवलपिंग का कोर्स करना होता है, और आपको सारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस सीखनी होगी, काफ़ी कुछ है इसके लिए, इतना आसान नहीं है एप्लीकेशन बनाना और एप्लीकेशन को क्रिएट करना। ठीक है, तो ये सारा कोर्सेस आपको करने होंगे तभी आप एप्लीकेशन बना सकते हो, और ये ब्लाइंड व्यक्ति भी कर सकता है। शिवम कनौजिया जी लिखते हैं, एक्सप्लोर बाय टच कैसे यूज़ करें, ये सबसे बेहतरीन सवाल है। तो दोस्तों, एक्सप्लोर बाय टच जो होता है, अगर आपकी स्क्रीन पर कोई आइकॉन है और अगर आप उस आइकॉन पर डायरेक्ट अपनी फिंगर रखते हो तो उसे कहा जाएगा एक्सप्लोर बाय टच। तो आप सीधे जो है टच करोगे उस जगह को, ये काफ़ी शॉर्टकट होता है। जैसे मुझे मेरे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में फ़ोन का ऑप्शन होता है तो मैं स्वाइप नहीं करूँगा, डायरेक्ट फ़ोन पे फिंगर रखूँगा। टॉप राइट कॉर्नर में मेरा यूट्यूब का ऑप्शन होता है तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे फिंगर रखूँगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रतिलिपि का ऑप्शन होता है तो मैं प्रतिलिपि को डायरेक्ट फिंगर रखूँगा, तो इसे कहा जाता है एक्सप्लोर बाय टच। इंद्रपाल सर लिखते हैं, इनका सिक्योर फोल्डर जो है लॉक हो गया है। सर, सिक्योर फोल्डर आपको डिफ़ॉल्ट वाला जो फोल्डर होता है उसकी बात कर रहे हो, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते समय जो है फोल्डर आपको मिलता है उसकी बात कर रहे हो, ये क्लियर नहीं हो पाया आपके सवाल में, तो ये ज़रूर बताइएगा। अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो आप फ़ोन को जो है फॉर्मेट मार सकते हो, उसके बाद आपका जो सिक्योर फोल्डर का पैटर्न है वो खुद में खुद हट जाएगा। आपका जो फ़ोन का स्क्रीन लॉक वाला पासवर्ड है वो आप दे सकते हो फ़ोन को फॉर्मेट मारते समय, ये वाला पासवर्ड जो है हट जाएगा। और अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आप कह रहे हो तो ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा एप्लीकेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दूँगा। हितेश्वर जी जानना चाहते हैं कि मल्टीपल यूज़र क्या होता है। अपने फ़ोन में एक ऑप्शन होता है यूज़र ओनर, यूज़ बाय ओनर, तो वहाँ पर आप जो है मल्टीपल यूज़र सेट कर सकते हो। उसमें होगा ये कि आप अगर किसी को फ़ोन देते हो तो वो फ़ोन को कितना एक्सेस कर पाए ये आप लिमिट सेट कर सकते हो, तो यही फीचर होता है मल्टीपल यूज़र। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं, ताकि आप लोग समझ पाओ मल्टीपल यूज़र का यूसेज कैसे करना है। फैजल खान जी लिखते हैं, ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड के बारे में बताएं। सर, ये काफ़ी पुराना हो गया कीबोर्ड, बेहतरीन कीबोर्ड है एकदम ये, लेकिन अब इसमें अपडेट्स नहीं आते, इसके लिए आप इसे ना यूज़ कर आप जी बोर्ड को यूज़ करिए। बाकी हाँ, ये कीबोर्ड था काफ़ी बेहतरीन, अभी भी उसको काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस कीबोर्ड में, लेकिन अब इसके अपडेट्स नहीं आते। पद्मानंद मलिक जी लिखते हैं कि
ओप्पो के फ़ोन में ETI Eloquence चल नहीं रहा है इनका, तो सर आप ETI Eloquence DTS का 1.3.1 वाला वर्जन यूज़ करें और इसको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाके बंद कर दीजिए, आपका ETI Eloquence DTS चलने लगेगा। आदित्य पांडे जी लिखते हैं कि गीबो के अलावा और कौन सा एप्लीकेशन है जो PDF रीड कर सकता है। सर इनविजन AI है लेकिन परचेस करना होगा आपको, और खुद कीबो ही काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आप रीड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी तो फ़िलहाल अल्टरनेटिव मत ढूंढिए, दो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई आता है तो ज़रूर यहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएंगी। डिशा मैम लिखते हैं कि इनके फ़ोन में लुई वॉइस कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। मैम आपका फ़ोन का रैम और स्टोरेज अगर ज़्यादा फुल होगा तो आपके फ़ोन में लुई वॉइस कंट्रोल स्लो ही चलेगा, आप अपना रैम और स्टोरेज फ्री रखिए, फ़ोन को थोड़े समय के लिए सेफ मोड में डालिए और लुई वॉइस कंट्रोल को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, सेटअप कीजिए, अच्छे से काम करने लगेगा। जागृति जी लिखती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कैसे ओपन करें। मैम इसके लिए दो दो वीडियो हमने बनाए हैं, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से जो है मिल जाएंगे वीडियो, आप उसे देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा किस तरह से YouTube से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक खोली जाती है। स्मार्ट टेक्निकल जी लिखते हैं कि ये अपने फ़ोन का लॉक स्क्रीन जो है वो भूल गया है, लॉक स्क्रीन पासवर्ड, तो अब ये क्या कर सकते हैं। सर आप जो है वहाँ पर 5 बार रॉन्ग पासवर्ड डालोगे, वहाँ पे नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है और फिर बाद में आपको फैक्ट्री रिसेट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो। और फिर उसके बाद जब आप फ़ोन को ऑन करोगे तो आप अपना मेल आईडी और पासवर्ड जो आपके उस फ़ोन में होगा उसे डाल के आप साइन इन कर लेना, आपको फ़ोन खुला हुआ मिल जाएगा। बल्केश कुमारी जी यहाँ पर लिखते हैं सोनिक विजन के अलावा और कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो टॉकबैक के टच साउंड को बदलता है। मैम क्यों ऐसे एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है, टॉकबैक का साउंड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं सारे टॉकबैक के साउंड्स, तो इसे ही यूज़ करें। ये साउंड वगैरह सुनने के लिए एक और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना सही नहीं है, फ़ोन में ज़्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। ललित जी यहाँ पर लिखते हैं व्हाट्सएप पे आए हुए ऑडियो को रिंगटोन कैसे सेट करें। सर व्हाट्सएप के आए हुए ऑडियो को रिंगटोन पे आप सेट कर सकते हो, गूगल फाइल इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में और व्हाट्सएप के ऑडियो को गूगल फाइल में प्ले करिए, वहाँ से सेट एज रिंगटोन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है रिंगटोन सेट कर पाओगे। रशद जी लिखते हैं क्रोम में इमेज लॉन्ग प्रेस नहीं होती है। सर आप टॉकबैक में जेस्चर परफॉर्म कर लीजिए लॉन्ग प्रेस के लिए, तो वो आपके काफ़ी काम आ जाएगा, उससे आप क्रोम में भी लॉन्ग प्रेस कर सकते हो किसी भी जगह पर। सिप्तम नवाज जी लिखते हैं हार्ड रीसेट और फैक्ट्री रीसेट में क्या अंतर है। सर हार्ड रीसेट जो है और फैक्ट्री रीसेट जो है, आप फैक्ट्री रीसेट फ़ोन की सेटिंग से कर सकते हो, हार्ड रीसेट वॉल्यूम बटन और पावर बटन से कर सकते हो। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। लवप्रीत सर लिखते हैं वॉइस कमांड यूज़ करते समय एरर रिकग्नाइज टेक्स कमांड जो है बताता है, तो सर आपका फ़ोन अगर सैमसंग M21 है तो इसमें थोड़ा सा इशू है, और अगर दूसरा कोई फ़ोन है तो आपको वॉइस कमांड का यूज़ करना है और उसके बाद तुरंत आपको बोलना है तो ये बहुत ही फास्ट काम करता है। इंफॉर्मेशन टेलीविज़न लिखते हैं कि क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है रिज्यूम बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है, ब्लाइंड व्यक्ति आजकल क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए और मन में इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, हम कोशिश करेंगे आप सभी लोगों को रिज्यूम किस प्रकार बनाया जाता है उस पर एक अच्छा सा डेमोंस्ट्रेशन दें। ब्लाइंड टेक विशाल जी लिखते हैं थंबनेल किस प्रकार बनाया जाता है। तो ब्लाइंड टेक विशाल जी, अगर आप दृष्टिबाधित लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो, सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के लिए, तो उसमें जो है थंबनेल की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए ही काम करता हूँ तो थंबनेल नहीं लगाता, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, थंबनेल नहीं, चैनल आर्ट नहीं, चैनल बैनर नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे चैनल पे, क्योंकि ये चैनल पूरा का पूरा ब्लाइंड कम्युनिटी को डेडिकेटेड है, तो ब्लाइंड कम्युनिटी ये सारी चीज़ें तो नहीं देखती। PPT एंटरटेनमेंट वीडियोज़ लिखते हैं कि इन्हें व्हाट्सएप टेलीग्राम में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जैसे मिलता है वैसे और कैसे हम लोग फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। सर इजी ऐप लॉकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, उसमें आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है किसी भी एप्लीकेशन पर फिंगरप्रिंट लगा पाओगे। और आपने एक और बात पूछी है कि फिंगरप्रिंट से कॉल आंसर कैसे करें। सर आपके LG के फ़ोन में अगर ये फैसिलिटी आपको मिलती है तो ही आप ये कर पाओगे, अन्यथा किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ये संभव नहीं है।
विजय कामले जी लिखते हैं, सर पहले तो आपका सवाल क्लियर नहीं है, जो मैं समझ पाया हूँ वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप शायद ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने 4 वीडियो बनाए हुए हैं, फ़ोनपे के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सीपी जॉय एंटरटेनमेंट लिखते हैं कि इनका फ़ोन रेडमी का है और व्हाट्सएप में रिंगटोन सेट करने पर बार बार रिंगटोन चेंज हो जाती है, तो सर आप व्हाट्सएप का बैकग्राउंड डेटा आपने शायद बंद कर दिया होगा, आप उसे ऑन कीजिए और आप जो है व्हाट्सएप को लॉक कर दीजिए, ऑटो स्टार्ट कर दीजिए आपके फ़ोन की सेटिंग में, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, और अगर किसी के सवाल पेंडिंग में रह गए होंगे तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि आज ये जो सवाल थे, ये सारे के सारे जो सवाल थे क्यू एन ए वाले पार्ट 3 वाले वीडियो के सवाल थे। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस ही वीडियो में पूछ ले, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, और आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि एक समय पर आप एक ही सवाल पूछें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ दो दो तीन तीन सवाल आते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा सवाल लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट सवाल मैं ना लूँ और कोई इजी सा सवाल ले लूँ, तो इसीलिए जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है वो आप पूछे, उसका जवाब देने की कोशिश अवश्य करूँगा। और दोस्तों क्या आप हमारे जवाबों से सफिशिएंट हो या नहीं रिप्लाई में अवश्य लिखे, हमें पता ही नहीं चलता, हम तो जवाब दे देते हैं लेकिन वो जवाब सही है या गलत है या कुछ भी है, आप रिप्लाई नहीं देते हो तो रिप्लाई भी अवश्य दीजिए। और जिस प्रकार मैंने इंट्रो में कहा, ये वीडियो मैं शेयर नहीं करता हूँ, तो ये वीडियो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को शेयर करना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ये जानकारी, ऐसी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसीलिए हमने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अब ये वीडियो आपको सब तक पहुंचानी है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।